इंदौर में 3 दिन चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। ये काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा, इंदौर न केवल देश का सबसे स्वच्छ शहर है, बल्कि ये बड़े दिल वालों का भी शहर है। 3 दिन तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी विशेष अतिथि हैं। युवा प्रवासियों से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के युवा दुनिया से हमें जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये आपसी रिश्तों का ही असर है कि 34 मिलियन भारतीय आज विदेशों में है। प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं, हमारा खून का रिश्ता है, पासपोर्ट का नहीं। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का। आने वाले कल में भारत को ज्ञान शक्ति अर्थ शक्ति बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2026 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। या इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था, झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काय को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहरेंगे। हर एक ललायत तो हमारे घर ले चलो। सचमुच में आप सब आए, मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हमारे दिल के टुकड़े। अतिथि देवो भवा की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन आइडिया पर्याप्त नहीं है, उसके लिए रोड मैप, उस रोड मैप पर चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी की विपरीत दिशा में तैरने का साहस यह करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, तो आपका भी मामा हुआ। इंदौर में तो झगड़ा हो ही रहा था कि हम आपको होटल नहीं अपने घर में ठहराएंगे। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं। जब पश्चिमी देशों में सभ्यता का सूर्योदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में ऋषियों ने वेदों की ऋचाएं रच दी थी। मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को लेकर चल रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन आइडिया पर्याप्त नहीं है, उसके लिए रोड मैप, उस रोड मैप पर चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी के विपरीत दिशा में तैरने का साहस, ये करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। और सचमुच में जब मैं नवाचार की बात करता हूं, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM, मास्टर कार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में अगर आप देखेंगे, केवल भारतीय ही भारतीय नजर आएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।